वेलकम टू सोशल। हम सभी ने आईपीएल में बहुत से प्लेयर्स को उभरते हुए देखा है और साथ ही साथ उनमें से कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सब भूल चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांच ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जो एक वक्त आईपीएल की शान थे। नंबर 5, स्वप्निल असनोदकर। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था तो कई ऐसे नेशनल प्लेयर्स थे जो टूर्नामेंट में उभर कर आए। उनमें से एक थे गोवा से बिलोंग करने वाले विकेटकीपर बैट्समैन स्वप्निल असनोदकर, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 311 रन्स बनाए और अपनी टीम को आईपीएल जिताने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। पर अगले सीजन में स्वप्निल अपने बैटिंग से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए और 11 मैचेस में महज 112 रन्स ही बना पाए। उनका नाम एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल में भी आया, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो इनोसेंट हैं। पर उस कंट्रोवर्सी के बाद स्वप्निल को किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में नहीं लिया। नंबर 4, पॉल वलथाटी। 2011 आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलने वाले पॉल वलथाटी का नाम आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स में गिना जाने लगा, जब उन्होंने टूर्नामेंट में 463 रन्स बनाए और एक शानदार सेंचुरी अपने नाम की। पर इंजरी हो जाने के कारण उनकी गेम में बदलाव आ गया और वो कभी 2011 के हीरोइक्स को दोबारा रिपीट नहीं कर पाए। वलथाटी ने अपना आखिरी मैच 2013 में खेला था और अब वो क्रिकेट से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। नंबर 3, मनविंदर सिंह बिस्ला। सभी को याद होगा 2012 आईपीएल का फाइनल, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे मनविंदर सिंह बिस्ला, जिन्होंने 48 बॉल्स पे 89 रन मारकर अपनी टीम को जिताया। सभी को लग रहा था कि बिस्ला की जगह टीम में और कोई नहीं ले पाएगा, पर जैसे ही उनका अगला सीजन अच्छा नहीं गया तो रॉबिन उथप्पा ने उनकी जगह ले ली और एक वक्त जो बिस्ला टीम के हीरो हुआ करते थे, अब उन्हें किसी भी स्टेट की टीम में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है और अब वो छोटे लेवल की कॉरपोरेट टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। नंबर 2, जोगिंदर शर्मा। 2007 वर्ल्ड कप T20 जीतने के बाद जोगिंदर शर्मा को हर कोई एज अ T20 स्पेशलिस्ट जान चुका था और उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत भी धोनी की कैप्टेंसी के अंडर की फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। पर 2011 में एक सीरियस एक्सीडेंट हो जाने के कारण उन्हें क्रिकेट से कट ऑफ करना पड़ा और अब वो हरियाणा पुलिस में एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट पोस्टेड हैं। नंबर 1, कामरान खान। आईपीएल 2009 में डेब्यू करने वाले कामरान खान की कहानी सबसे अलग थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आने वाले कामरान खान को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में लिया और रातों रात वो मशहूर हो गए, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कभी कोई फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला था, पर फिर भी उन्हें इतने बड़े टूर्नामेंट में एक चैम्पियन साइड के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, जहां उन्होंने टूर्नामेंट में 11 विकेट्स लिए, पर मुश्किल वहां आई जब उनके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया और उन्हें 2 हफ्ते रिहैब में जाना पड़ा, जहां से उनका एक्शन चेंज हो गया। उसके बाद कामरान खान कभी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए जिसके लिए वो मशहूर हुए थे। 2011 में उन्हें पुणे वॉरियर्स ने भी अपनी टीम में लिया, पर वो इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए और फिर कभी उन्हें किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में नहीं लिया। सबसे दुख की बात यह है कि पैसों की तंगी के कारण उन्हें खेतों में काम करना पड़ा और अभी भी वो क्रिकेट खेलने के मौके ढूंढते रहते हैं, पर कोई भी टीम उनमें अब इंटरेस्ट नहीं रखती। नाउ दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।